नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत भैलोनी लोद में। भैलोनी लोद एक जाति विशेष के तमाम लोग यहां पर रहते हैं, लोधी समाज से यहां सबसे ज़्यादा वोटर हैं गांव में। तो आज हम लोग लोधी समाज के बीच आए हैं ये जानकारी लेने के लिए कि एक तरफ 42,000 कुछ वोट जो वो अपनी सदर विधानसभा में उनका रहता है, इसके बावजूद चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन तीन पार्टियों ने अपने कैंडिडेटों को क्लियर किया है और एक भी लोधी समाज के प्रत्याशी को उम्मीदवार अपनी सदर विधानसभा ललितपुर से नहीं बनाया है। तो आज हम लोधी समाज के कुछ लोगों के पास यहाँ पर आए और उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब कंडीशन ये है कि तीनों पार्टियों में से किसी ने भी टिकट किसी भी समाज के कैंडिडेट को नहीं दी है, तो यहाँ पर लोग कैंडिडेट वाइज सोचते हैं या पार्टी के लिए सोचते हैं, कैसे लोग हैं, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? भैया क्या नाम है? सचिन प्रताप सिंह। तो सचिन प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है 2022 पे जो चुनाव है ललितपुर सदर विधानसभा में, एक भी कैंडिडेट लोधी नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? गंधर्व सिंह बाबू जी को टिकट देना थी। तो गंधर्व सिंह बाबू जी को अब चूंकि टिकट नहीं मिली है, रामरतन कुशवाहा जी ललितपुर सदर विधानसभा से उम्मीदवार होंगे, तो आप किस तरफ फिर अपना मतदान करेंगे? उसको करेंगे अब गुड्डू राजा को। तो गुड्डू राजा की तरफ आप जाएंगे, ऐसा आपको क्यों लगता है कि हम अब गुड्डू राजा की तरफ जाएंगे, जबकि पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, अब गुड्डू राजा आप कह रहे हैं? उन्हीं की तरफ जाएंगे, वैसे तो विरोध करेंगे, बाबू जी को टिकट चाहिए थी यार, उनको निर्दलीय समर्थन करेंगे, निर्दलीय भरेंगे अब। चलिए, तो निर्दलीय बाबू जी के समर्थन करने वाले भी लोग हैं, दादा से पूछते हैं, क्या नाम है दादा? जमुना प्रसाद। तो जमुना प्रसाद जी, क्या लग रहा है 2022 का जो आने वाला चुनाव है उसमें आप लोग किस तरफ मतदान करेंगे? तो गंधर्व सिंह के लिए तैयार है। गंधर्व सिंह बाबू जी चूंकि अभी तक उम्मीदवार नहीं है, आगे पर्चा डाल सकते हैं, निर्दलीय जिताएंगे। तो आप निर्दलीय जिताओगे, तो ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप लोगों ने पिछले चुनाव में लगातार वोट दे करके पार्टी को विजय दिलवाई थी अपने गांव से, इस बार ऐसी नाराजगी क्यों है? भाई नाराजगी ऐसे है कि जब जब तक रामरतन कुशवाहा यहाँ भैलोनी तक आज तक आए, तो मतलब सदर विधायक से नाराजगी आप लोगों की साफ है, वो इस घर घर बुराई है। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया क्या नाम है? मैं दखपाल सिंह, भैलोनी लोध का लोधी जाति का हूँ। लोधी जाति के आप हैं, तो इस बार 2022 का जो आने वाला चुनाव है इसमें आप किस तरफ मतदान करेंगे? मैंने पिछली पंचवर्षीय में बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस पंचवर्षीय मैं बीजेपी को वोट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी चाहत थी कि इस बार लोधी समाज से प्रत्याशी होना चाहिए, और इससे गंधर्व सिंह बाबू जी को आश्वासन दिया गया अभी तक, और उनने पैसा खर्च किया, कुछ भी किया, या अपना जनसंपर्क साधा है पूरे क्षेत्र में, उनका जनसंपर्क बहुत अच्छा है, अन्य समाज में भी, सभी समाजों में है बाबूजी का, लेकिन उनके पास, उनके साथ बीजेपी द्वारा धोखा किया गया, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी में जाना चाहते थे, तो उसने भी दल बदलू काम किया है, दल बदलुओं को टिकट दी है, इसलिए लोधी समाज एकत्र होकर एक काम करेगी कि समाजवादी और बीजेपी को, दोनों को हराने के लिए, या तो अन्य गुड्डू राजा के साथ जाएंगे दोनों को सबक सिखाने के लिए, या हम लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे, या हम लोग एकत्र होकर बाबूजी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। तो एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि दोनों कुशवाहा समाज के कैंडिडेट सामने आ गए, 42,000 आपकी समाज का यहाँ पर वोट है, तो आप लोगों ने शुरुआती स्तर में अपनी पक्ष को क्यों नहीं रखा कि हम लोग भी टिकट के दावेदार हैं? दावेदारी हमेशा बाबूजी हमारे करते रहे, और सापा से ज्योति सिंह लोधी, इन्होंने बराबर प्रयास किया है, लेकिन इनको अनदेखा किया गया है, इस अनदेखी करने का समाजवादी पार्टी को भी ये चुकाना पड़ेगा नुकसान, और बीजेपी को, या इस किसी भी एक पार्टी से लोधी जाति को टिकट देती तो यहाँ दोनों सीटें आती, महरौनी सीट भी बीजेपी में जाती, और यहाँ जो ललितपुर सीट भी सदर विधानसभा, अब दोनों सीटें बीजेपी से जाएंगी और सापा से जाएंगी, अन्य में जा सकती हैं ये। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, भैया क्या नाम है? गजेंद्र प्रताप सिंह। तो गजेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है जो आने वाला चुनाव है इसमें कौन सी पार्टी ललितपुर सदर विधानसभा जीतने वाली है? जीत देखो तो ये सब पहले तो कर में ये दलाल बंद है, सबसे बड़ी परेशानी है दलालन से जी।
हर चीज़ में कोनो मुद्दा उठाओ तो उठावे को सवाल ही नहीं है कि का हो रहा का नहीं हो रहा कई कोनो चीज़ में आपत्ति पहले भी घुस बैठे तो कहाँ से हो पा रहा मैं ये समझने का आपसे प्रयास कर रहा हूँ कि जो 2022 का आने वाला चुनाव है उसमें आप किसको मतदान करेंगे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी निर्दलीय या बहुजन, किस तरफ आप पार्टी सबसे बढ़िया है बीजेपी, केवल गुंडागी से बचे हैं हर चीज से। तो गुंडई से बचे हो आप, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करोगे? हम तो बाकायदा दें बीजेपी को। चलिए तो और भी चलिए और भी लोग हमारे साथ बैठे हैं। दादा क्या नाम है? आ जाइए आप आगे आ जाइए थोड़े। दादा क्या नाम है? रामस्वरूप सिंह, राजपूत। तो राजपूत जी, इस बार 2022 का जो चुनाव है, लगातार एक खबर फैल रही है कि लोधी समाज को टिकट नहीं दिया है, इस वजह से लोधी समाज नाराज है। इसलिए हम लोग आज आए, अब से कुछ समय पहले ज्योति सिंह लोधी समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष बनी हैं, समाजवादी पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरफ लोधी समाज का रुख होगा? हम यही कहना चाहते हैं कि लोधी से हम लोग जुड़े हुए थे जी, गंधर्व सिंह बाबू हुए चाहे ज्योति सिंह हुई, लेकिन उन दोनों को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग सभी नाराज हैं और हम उनको मत नहीं देंगे। तो किस तरफ आखिर अंत में अपना मतदान मत हम कहीं के गुड्डू राजा को देंगे या हम कहीं डाले नहीं जाएंगे, चार हम अपने बलवंत सिंह राजपूत जी को देंगे। अगर निर्दलीय भी अगर भी लड़ेंगे तो क्या बलवंत सिंह लगेंगे कांग्रेस से तो उनको ही वोट देंगे। चलिए तो रुझान साफ है लोगों का। भैया नाम बताएं अपना, और भी हमारे साथ लोग हैं, अपना नाम बताएं भैया। हमारा त्रिलोक सिंह नाम। तो त्रिलोक सिंह जी, 2022 का जो चुनाव है जिसमें राजपूत कैंडिडेटों को साफ तौर पर नकारा है पार्टियों ने, एक तरफ ज्योति सिंह लोधी समाजवादी पार्टी ने नकारा, हालांकि आज फिर जिलाध्यक्ष ने बनाया गया है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप लोगों का जो मतदान होगा वो किस तरफ होगा? ऐसा है ना कि ये जो भाजपा है ना, उसको जो माने जो समाजवादी पार्टी लोधी है ना, इसको सीट ललपुर देने थी, इसलिए माने है उसको कुशवाहा नहीं देने थी, माने जो लोधी समाज से पूछ देगा किसको टिकट देना है, ये गलती है उनकी। जो उनने दे रही गुड्डू राजा हैं, दो कुशवाहा जी हैं, क्या तो एक कुशवाहा होती तो बरक खा जाती, कुशवाहा दे सकती हैं, अब दो कुशवाहा रह गए, अब ये लोधी वोट तो बेकार वोट है जाने। तो अब हमें आप ये बताइए कि समाज का रुख जहाँ भी हो चुकी, कम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन आपका पर्सनल रुख किस तरफ होगा अगर दोनों लोधी कैंडिडेट, जब ना तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है ना भारतीय जनता पार्टी ने दी, भाजपा है वो सही पार्टी है, गुंडा एक्ट नहीं सब चल रहा है, कारो माने हर चीज़ माने वह हो रही, तो जो भाजपा सही है तो सरकार सब बेकार है, जैसे कांग्रेस है साइकिल है, ये कुछ नहीं कहते, कह देते हैं वो करते नहीं है। चलिए तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है? सुजान सिंह राजपूत। तो सुजान सिंह राजपूत जी, 2022 का जो चुनाव है इसमें किस पार्टी की तरफ आप लोग अपना मतदान करेंगे? अभी तो पहले तो था बीजेपी का मेरा जी, गंधर्व सिंह बाबू जी के लिए टिकट दी जाएगी, लेकिन बाद में पता चला काट दी ना ज्योति सिंह दी तो क्या सपा से, इसलिए हमारा मतदान अभी भाजपा में ना किसी मतलब की नहीं है। चलिए तो लेकिन एक बात फिर भी निकल करके आ रही है, आज कुछ समय पहले ज्योति सिंह लोधी को समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है कहीं ना कहीं लोधी वोट बैंक को साधने के लिए, तो क्या वो लोधी वोट बैंक सद पाएगा उनके जिलाध्यक्ष बनने से या नहीं? नहीं, वो तो लोधी समाज का वोट खींचने के लिए जिलाध्यक्ष बनाएगा, एक तौर पे मोहरार के टाइप में बनाएगा उसको। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पार्टियों ने अपना प्रत्याशी किसी लोधी को टिकट नहीं दी है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने, ना समाजवादी पार्टी ने, ना ही बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस का टिकट आना बाकी है, फिलहाल बलवंत सिंह राजपूत एक नाम चल रहा है चर्चा में, तो आप फिर किस तरफ मतदान करेंगे इस बार चुनाव में? तो कोई वो नहीं है, लेकिन आने टिकट जब डिक्लेयर होगी इसके बाद बता पाएंगे, अभी तो गंधर्व सिंह बाबू जी की ज़्यादातर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव तो उनके साथ रहूँगा। चलिए तो मतलब साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे सभी लोग, लेकिन नाराज़गी के तौर पर उन्होंने, अब उनकी ऐसी नाराज़गी होती हुई दिखाई दे रही है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर नाराज़ हैं। और भी हमारे साथ लोग, भैया क्या नाम है? रघुराज सिंह। तो रघुराज सिंह जी, 2022 का जो आने वाला चुनाव है, एक तरफ जहां किसी भी लोधी कैंडिडेट को टिकट नहीं दी है तीनों पार्टियों ने, तो अब आपका रुझान किस तरफ बन रहा है? वैसे एक बार सपा ने तो दे दिया था, 50 साल में बीजेपी ने एक भी बार टिकट नहीं दिया, फिर भी उसमें थोड़ा लोधी का सम्मान रहता है और लोधी को हमेशा पूछ रहती है, अभी इसी समय उन्हें लोधी का सम्मान बचाने के लिए ज्योति सिंह लोधी को जिलाध्यक्ष बनाया है।
तो ज्योति सिंह लोधी को जिलाध्यक्ष बनाया है, मतलब आपका रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है। लेकिन जो सामाजिक गांव है इसमें लगातार लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि टिकट ना आने के एवज में हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे, तो क्या इन लोगों के साथ आप भी नोटा की तरफ जाएंगे समूचा गांव, या समूचा गांव किसी निश्चित पार्टी के लिए अलग अलग जाएगा? वैसे हम ज्योति भाभी और शेर सिंह भाई साहब से जुड़े हुए हैं, तो वैसे पार्टी के साथ तो नहीं थे, वैसे हम लोधी समाज के साथ हैं, तो ज्योति जिलाध्यक्ष बनेंगे इसलिए हम सपाई में सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो ऐसे तमाम लोग थे जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो माहौल था वो ऐसा था कि गंधर्व सिंह बाबूजी को टिकट ना मिलने से समूचे समाज में 10-12 लोगों से हम लोगों ने बात की, जिसमें 8-9 लोग नाराज थे, लगभग 10 लोग नाराज थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि गंधर्व सिंह बाबूजी को टिकट नहीं मिली है, जिसके एवज में हम लोग अपना मतदान करेंगे नहीं, करेंगे तो गुड्डू राजा की तरफ मतदान करेंगे या कहीं अन्य चले जाएंगे या नोटा दबा देंगे। तो इस तरीके की खबरें देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी खबरें आप लोगों को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।